हेलो एवरीवन दिस इज रूपाली आप सभी का स्वागत है इस टीचर्स में वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग क्या सभी चीज़ें क्लियर हैं एक बार मुझे कमेंट्स में बताएंगे वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग मैम बी एड फर्स्ट ईयर का कब होगा स्टार्ट बिल्कुल आप लोगों के साथ स्टार्ट किया जाएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या ये आज आप लोगों के लिए डेमो है मींस कि यहाँ पे कुछ क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पर कनेक्ट मिलती रहेंगी राइट बिल्कुल सभी चीजें क्लियर है तो एक बार मुझे कॉमेंट में बताइए कि यस मैम सभी चीजें क्लियर है क्लियर हाई लिशा हाई नेहा हेलो कोमल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सभी चीजें क्लियर हैं तो, तो देखिए आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है ठीक है डे वन स की फर्स्ट क्लास है एक तरीके से आप लोगों को डेमो दिया जा रहा है कि आपके बी एड सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है राइट right, अभी तक में सी टी एड क्लासेस ले रही थी ऑल दो भी सी टी के एग्जाम नहीं हुए हैं बट इतना सफिशियंटली करा दिया है कि आप लोग आराम से कर लेंगे क्लियर बिल्कुल तो देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा होगा बी एड लर्नर्स तो बी एड लर्नर्स भी हमारा ही चैनल है राइट right, आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो काफी सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी यहाँ पर बी एड लर्नर्स पर भी कॉन्टिन्यूअसली आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी बी एड के रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और वहां पर भी कुछ आपको वीडियोज मिल जाएंगी तो ये आप लोग के लिए स्पेसिफिकली बी एड लर्नर इज फॉर बी एड स्टूडेंट्स चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे वो सेकेंड ईयर के हो तो ये आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एंड यहाँ पर आप लोगों के साथ एस्पायरिंग टीचर्स पर बी एड सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूं मैं राइट बिल्कुल शालू सिंह सी के लिए भी है एक कंप्लीट कोर्स राइट बिल्कुल वेरी गुड हाय प्रियंका देखिए आपके ना इसके अंदर मैं आपको कुछ गाइड कर दूं। Although आपके जो थोड़ा सा बी एड सेकेंड ईयर बी एड सेकेंड ईयर में आप लोगों के पास सेवन सब्जेक्ट्स होते हैं राइट सेवन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आपका सिक्स सब्जेक्ट जो है वो आपके कॉमन होंगे जो सभी के पास होंगे ठीक है और आपका जो एक सब्जेक्ट होता है वो आपका क्या होता है ऑप्शनल होता है कि आप लोगों की मर्जी है वो आप लोग कोई सा भी ले सकते हो चाहे आप लोग फिजिकल एजुकेशन लो वर्क एंड एक्सपीरियंस लीजिए गाइडेंस लीजिए वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है बट यहाँ पर मैं ये एडिशनल सब्जेक्ट नहीं कराऊंगी क्योंकि यार सभी लोग अलग अलग लेंगे मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी आप लोगों के साथ वो सिक्स सब्जेक्ट्स के ऊपर रहेगी कॉमन सब्जेक्ट्स जो होंगे आप लोगों के जो है आपके नॉलेज इन करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग मैं आपको लिख ही देती हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज एंड करिकुलम दूसरा है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग ठीक है असेसमेंट फॉर लर्निंग राइट नेक्स्ट है आप लोगों का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो मैंने आपको बताया क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल छह सब्जेक्ट्स हैं नेक्स्ट आएगा है फिर आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ठीक है फिर है उसके बाद आपका एल ए सी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम उसके बाद आएगा आप लोगों का इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन ये थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है बट छोटा सब्जेक्ट है ठीक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन आपके कितने हो गए छह सब्जेक्ट्स हो गए ये सिक्स सब्जेक्ट्स हम लोग अपनी क्लास के अंदर करेंगे क्लियर बिल्कुल शालू देखो मैंने वही बताया ऑप्शनल सभी का अलग होगा किसी का एन्वायरमेंट होगा किसी का गाइडेंस होगा किसी का फिजिकल एजुकेशन होगा किसी का वर्क एक्सपीरियंस है तो मैंने उस ऑप्शनल को हटा ही दिया है मैं देखो अलग अलग बच्चों के लिए नहीं पढ़ा सकती हूँ बट यहाँ पे जो ये कॉमन है ये सारे सब्जेक्ट्स आप सभी के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आप सभी को मिलेंगे ठीक है अब ये हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं बिल्कुल निशा ये सभी का ये मैंने इसलिए बताया कि एडिशनल मैंने हटा दिया है फिजिकल योगा या फिर आप कोई भी मान लीजिए ठीक है अब ये आप लोगों को बता दो कि हम लोग इसे कवर कैसे करेंगे आप लोगों का ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कोर्स स्टार्ट कर ही रही हूँ बाकी आपको रिकॉर्डेड लाइव दोनों होगा ठीक है और आप लोगों के साथ ये सिक्स सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे क्लास की पी डी दी जाएगी डाउट सेशन होंगे और इस बार टारगेट जो लेके चल रही हूँ वो आपका 90 परसेंट का लेके चल रही हूँ कितने का 90 परसेंट टारगेट लेके चल रही हूँ यहाँ पर और ये आपका 4000 नहीं इसको अभी भी डिस्काउंटेड है ये ट्वेंटी ये आपका अभी भी डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं ये आप लोगों का मैं ट्यूजडे से स्टार्ट करूंगी स्टार्ट करते हैं पहला सेशन जो आपका सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर है आकलन के ऊपर है ठीक है ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपने पढ़ भी रखा होगा बिल्कुल सीटेट में तैयारी करी होगी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इसको समझा होगा कि मैम असेसमेंट क्या होता है तो बेसिकली मैं आप लोगों को इसके अंदर असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ ठीक है बाकी जो प्रॉपर क्लासेस होंगे वो एप्लीकेशन पर होंगे आपकी अब असेसमेंट होता क्या है आकलन क्या है मैम आकलन क्या है असेसमेंट हम लोग बात करें तो असेसमेंट क्या होता है? देखो, तीन टर्म्स है हम बच्चे का आकलन तीन तरीके से कर सकते हैं एक होता है आप लोगों आकलन क्या होता है आकलन और तीसरा होता है आप लोगों का मूल्यांकन तीसरा किसे कहते हैं हम लोग मूल्यांकन को अब यहां पर ये किन से मिलके बना है मैं मापन क्या होता है ये मात्रात्मक होता है

थैंक यू थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट ठीक है अब यहाँ पे देखिए मैम मापन को क्या बोलते हैं मेजरमेंट क्या बोला जाता है मेजरमेंट ठीक है असेसमेंट आपका आकलन होता है एंड मूल्यांकन को हम लोग क्या बोलते हैं इवेल्यूएशन बोलते हैं चीजों को समझिएगा कि क्या बातें बोली जा रही हैं चीजों को समझना ठीक है देखो मेजरमेंट को क्या बोला गया है मैंने क्या क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है मैम हम लोग अपनी हाइट को नाप तोल सकते हैं कि हमारी कितनी है हमारा वेट हम लोग नाप तोल सकते हैं कि हमारा वजन कितना है उसको हम लोग देख सकते हैं आकलन क्या होता है मैम आकलन होता है ये आप लोगों का गुणात्मक होता है क्या होता है गुणात्मक होता है गुणात्मक का मतलब है मैम ये क्वालिटेटिव क्वालिटी को बताता है इसमें पहले डिफरेंस समझ लो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है असेसमेंट क्या हो गया मैम बच्चे के व्यवहार को देखना बच्चे के अंदर कैसा व्यवहार है वो कैसे बातें कर रहा है तो हम लोग उसके क्वालिटी को जांचते हैं कि बच्चे के अंदर गुण क्या है ठीक है ये आपका क्वान्टिटेटिव नहीं होता असेसमेंट जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं मापन और आकलन को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है मैम हमें मिल जाता है मूल्यांकन और ये मूल्यांकन कैसा होता है मैम ये क्वांटिटी को भी बताता है और बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या है उसको भी बताता है क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को ये बात महक से ही आप लोगों का स्पायरिंग टीचर्स पर होगा ठीक है टीचर्स पर होगा एप्लीकेशन सभी चीजें लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में गिवन है फोन नंबर पे गिवन है वहां से आप लोग पूछ सकते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या बताया दोबारा से सुनो शॉर्ट शॉर्ट के अंदर कि असेसमेंट क्या हम लोग पढ़ने वाले इस पूरे सब्जेक्ट का मैं बता रही हूँ कि इस पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे मापन के बारे में पढ़ेंगे मापन क्या होता है सिर्फ आपका मात्रात्मक जिसे आप लोग माप लेते हो नाप तोड़ कर सकते हो कि वजन क्या है हाइट क्या है साइज क्या है ठीक है आकलन क्या है मैम बच्चे के क्वालिटी को बताएगा कि हम लोग उसको कैसे आ, यहाँ पे उसके गुण को कैसे देख सकते हैं जांच सकते हैं मतलब कि यहाँ पे टूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर और जब हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं ना लास्ट में क्या होता है बच्चे का मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन क्या बताता है कि बच्चे में मितल... मतलब की कि वो कितने नंबर लेकर आ रहा है ठीक है और उसका क्वालिटी क्या है उसका बिहेवियर क्या है क्लास के अंदर तो वो सभी चीज को जो जांचता है वो आप लोगों का क्या होता है मूल्यांकन होता है क्लियर अब नेक्स्ट देखो इसके कुछ टाइप्स हैं ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूं आज की क्लास एक तरीके से डेमो समझ लीजिए आप लोग राइट कि शॉर्ट क्लासेस हैं ये बिल्कुल तो देखिए यहां पर महक आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं एट फाइव नाइन डबल फाइव डबल जीरो नाइन वन फाइव पर अब देखिए टाइप्स ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या है मतलब कितने प्रकार के आकलन है मैम प्रकार की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रकार हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं बट यहाँ पर कुछ कॉमन जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी एक फॉर्मेटिव आता होगा समेटिव योगात्मक आकलन आता होगा दूसरा है नॉम रेफरेंस ये नहीं पता होगा अभी तक आप लोगों को और क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है ये भी नहीं पता होगा मापदंड जिसे बोलते हैं ठीक है तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते चलते हैं फिर क्लास को खत्म करेंगे बी एड फर्स्ट ईयर की भी जल्दी स्टार्ट होंगी आप लोग के साथ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मैम फॉर्मेटिव का मतलब है जब बच्चा कोई भी काम कर रहा है किसी भी प्रक्रिया के दौरान भी प्रक्रिया के दौरान जब हम बच्चे का क्या करते हैं आकलन करते हैं जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं और आपको पढ़ाते समय ही आपका आकलन कर रही हूं कि कौन सा स्टूडेंट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है तो मैं आपका इस समय भी आकलन कर रही हूं वो क्या है आप लोगों का फॉर्मेटिव मैम मीन की ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है मतलब क्या बताया जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं उसी के दौरान हम बच्चे का आकलन कर लेते हैं टीचर्स कर लेती हैं तो ये ड्यूरिंग कौन सा है ये फॉर्मेटिव है मैम ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है क्या बताया मैम ये लगातार निरंतर चलता रहता है कॉन्टिन्यूस होता है कि जैसे जैसे टीचर काम करती रहती है वैसे उसको जांचती रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है क्लियर वेरी गुड निशा वेरी गुड ये आपका क्या हो गया मैम फॉर्मेटिव हो गया जो लगातार चलता रहेगा अब देखो आपको लगातार यहाँ पे जब यहाँ पे मैं आप लोगों का लगातार आकलन करती रहूंगी तो उससे क्या मिलेगा मैम हमें ना इसके अंदर जब लगातार आकलन होता है तो हमें कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता है ठीक है हमें क्या मिलती है मैम प्रतिपुष्टि लगातार मिलती रहती है प्रतिपुष्टि का क्या है कि आप लोग अच्छा ओके okay, इंग्लिश में बात करते हैं ठीक है फीडबैक क्या होता है मैम फीडबैक होता है कि आप लोगों आपकी गलतियों के बारे में बताती रहूं मैं कि आप लोग कहां कहां पर गलती कर रहे हो क्योंकि अगर आपको लगातार फीडबैक मिलेगा तो मैम ज्यादा चांसेस होंगे कि हम लोग सही इंप्रूवमेंट कर पाएंगे हमारे अंदर सुधार आता रहेगा तो ये क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो बच्चे को एक किसी प्रक्रिया के दौरान हम लोग उसे बताते रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है मैम लगातार चलता है इसके अंदर हमारा जो आकलन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है और साथ साथ हमें फीडबैक मिलता रहता है क्लियर हो गया है ठीक है क्लियर नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट समेटिव क्या होता है मैम समेटिव का मतलब है हम लोग सम कर देते हैं मींस हमने इस पूरी क्लास के अंदर जो छोटे छोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट किए थे उनको जोड़ देते हैं और लास्ट में आप लोग क्या करते हो सम करते हो सम का मतलब क्या है मैम सम का मतलब है जो एट द एंड होता है मैंने क्या बोला जो अंत में होता है एट द एंड होता है और एट द एंड क्या चीज होती है मैम एट द एंड क्या करते हैं जैसे कि आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा दिया

क्लियर तो ये आपका असेसमेंट कैसा होता है मैम अंत में होता है मैंने क्या बोला अंत में होता है एग्जाम्पल एक और दे देती हूं जैसे कि आप लोग जैसे आप लोगों ने आ, क्या बोलते हैं सीटेट क्लासेस ज्वाइन करी थी तो मैम जब हम डेली असेस कर रहे थे ना खुद को तो वो क्या था फॉर्मेटिव था पर जब हमने यहां पर पेपर देकर आ गए तब हमारा असेसमेंट जब फाइनल रिजल्ट हाथ में आएगा तो वो क्या है वो हमारा समेटिव असेसमेंट है क्योंकि वो एट द एंड वो ए, फाइनल हुआ है क्लियर नेक्स्ट देखो मैम नॉर्म रेफरेंस क्या होता है मैंने क्या बताया नॉर्म रेफरेंस क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा पेपर में जब आएगा तो लिखना पड़ेगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और जब आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो नहीं लिख पाओगे नॉर्म रेफरेंस का मतलब है कि जैसे मैम हम लोग ना इसके अंदर बच्चों के अंदर तुलना करते हैं कंपेयर करते हैं मैंने क्या लिखा मैम कंपेरिजन करते हैं अब वो कंपेरिजन कैसे होता है जैसे कि कंपेयर हम लोग करेंगे आप लोगों का डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम होता है ठीक है बी एड के बाद आप सीटेट करोगे सीटेट के बाद आप डी ट्रिपल एस बी दोगे मैम डी ट्रिपल एस बी में क्या निकलती है मेरिट लिस्ट निकलती है क्या निकलती है मेरिट लिस्ट निकलती है अब जिस बच्चे के यहाँ पर एक सौ नंबर आए हैं और जिस बच्चे के 104 नंबर आए हैं तो आप बताओ किसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी किसको ज्यादा मौका दिया जाएगा मैम हम 105 वाले को देंगे क्योंकि हमने इन दोनों में से तुलना करी है कि कौन सा बेहतर है बच्चा तो वो किस में जाएगा डी यहां पर आपका नॉम रेफरेंस में कि हमने कुछ एक रेफरेंस मटेरियल बना रखा था जो ज्यादा नंबर लाएगा उसी को ही जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ये हमारा क्या है हम इसके अंदर कंपेयर करते हैं क्या करते हैं कंपेयर करते हैं क्लियर है बात समझ में आ गई आप लोगों को क्लियर हो गया ये इसके आगे देखो दूसरा होता है क्राइटेरियन इसमें आपको जनरली कंफ्यूजन रहेगी कि, कि क्राइटेरियन और नॉर्म होता क्या है क्राइटेरियन का मतलब होता है जब आप लोगों के साथ क्या किया जाए मैम हम लोग सीटेड का एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर हम लोग नो no कंपैरिजन कोई तुलना नहीं करते ठीक है? तुलना पर नहीं होती, तुलना नहीं करते अब मैम इसका एग्जाम्पल कैसे होगा ठीक है बिल्कुल तो देखो सीटेट के अंदर आप लोगों का एक क्राइटेरिया है कि जो नब्बे नंबर लेकर आएगा वो सभी पास है पे कोई तुलना नहीं करेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक बच्चा 91 लेकर आया है और एक बच्चा 149 लेकर आया है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम 149 वाले को जॉब देंगे ये नहीं कहेंगे हमारे लिए दोनों बराबर है क्योंकि हमने क्राइटेरिया रखा था कि जो नब्बे नंबर तक ले आएगा उसको पास कर देंगे और ये दोनों नंबर बड़े हैं दोनों नंबर क्लियर कर रहे हैं तो मैम ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है हमारे लिए तो हम लोग इसके अंदर कोई भी यहाँ पे कंपेरिजन नहीं करते हैं मैम सीटेट में काफी क्वेश्चंस आए थैंक यू सो मच वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि आपने निशा ने बताया कि मैम के अंदर क्राइटेरिया फिक्स होता है 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 कि 60 आप लोगों को लाना ही लाना है, लाना ही 90 मार्क्स तो इसके अंदर आप लोग जो उससे ऊपर ले आएगा वो सभी पास है इसमें कोई तुलना नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये ज्यादा नंबर वाले तो हम इसे प्रेफरेंस देंगे ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है बट नॉर्म रेफरेंस में क्या था इसके अंदर क्या था मैम हमें तुलना करनी पड़ेगी क्योंकि हाँ पे कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है इसके अंदर बोला गया है कि जो ज्यादा नंबर लेकर आएगा उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्लियर इन दोनों में समझ में आया कि मीनिंग क्या है इसका राइट देखो यही छोटा सा एक तरीके से आप लोगों के लिए डेमो क्लास आप लोग समझ लो एक तरीके से यहाँ पर मैं छोटे-छोटे सी वीडियोस आप लोगों को देती रहूंगी शॉर्ट सेशन एक एक टॉपिक के ऊपर जिससे कि आप लोगों को हिंट मिलती रहे और आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर पाए और जो यहाँ पर करना चाहता है आप लोग uh... कोर्स ज्वाइन ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है ये एक तरह का आप लोगों का डेमो क्लास था जो बेसिक सी टर्म आपको बताई है क्योंकि आप लोग असेसमेंट के सब्जेक्ट में एक तरीके से पूरा असेसमेंट बच्चे का करना है तो उसमें टूल्स क्या है टेक्निक्स क्या है आप लोगों की टेक्निक्स के साथ साथ आप लोगों का नया कुछ ट्रेंड है कि आज के टाइम में हम बच्चे का आकलन कैसे करते हैं सिस्टम है बड़े सिस्टम है आप लोगों का टीम टीचिंग पैटर्न है तो वो हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर पूरा पढ़ने वाले हैं तो इसके क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो रही ट्यूजडे से कमिंग ट्यूजे से तो कनेक्टेड रही है राइट right? एंड आप लोग बी लर्नर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो वो स्पेशली जो चैनल है उस पर भी मैं क्लासेस लूंगी ये आप लोगों का स्पेशली चैनल बी के लिए था बनाया गया था बट मैं एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ बी लर्नर्स पर राइट right, बट बिल्कुल वहां पे भी क्लासेस आप लोगों की चलती रहेंगी और इस चैनल पे आप लोगों की अपडेट भी चलती रहेगी क्लियर तो जिन्होंने जिन्हें नहीं पता था तो मैंने आप लोगों को बता दिया है मैम यूपी टेट इंग्लिश का मैराथन कराइए ओके आनंद यादव बिल्कुल तैयारी करते हैं टाइम मिल पाया बिल्कुल करेंगे आप लोगों के साथ ठीक है बिल्कुल हल्का सा फर्क है हल्का नहीं एक तरीके से समझ लो कि नॉर्म होता है जो आपके कंपैरिजन तुलना करने के लिए बनाया गया ये एक स्टैंडर्ड होता है यहां पर ये जो मैंने आपको बात करी ना नॉम की ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कौन सा है मैम ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है आकलन करने के लिए ठीक है यहाँ पर और आपका वो एक तरीके से स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचा आता है क्योंकि हम उसमें कंपेयर नहीं करते वो एक क्वालिटेटिव क्वालिफाइंग टेस्ट है क्राइटेरियन एक तरीके का आप लोगों का क्वालिफाइंग होता है जैसे कि जिस चीज के लिए कुछ क्राइटेरियस बनाए गए हैं वो उसी पर लागू होंगे और किसी पर नहीं अब जैसे का क्राइटेरिया था 60 वाला वो वहां पर लागू नहीं होता है वो क्राइटेरियन मीन जिसके लिए बना है उसके लिए लागू होगा बट नॉर्म का मतलब था कि यहाँ पे स्टैंडर्ड यह टेस्ट है ये एक आप लोगों का एक क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि आप लोग कितने क्वालिफाइंग आप लोग कितना स्किल्स है आपके अंदर क्लियर ओके okay, निखिल आर्मी स्कूल का वैकेंसी आया है ठीक है ओके okay, निखिल ओके okay. मैम सी सी यू बी एड सेकेंड ईयर में क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे या फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शालू आपने अब मैं आपको एक पैटर्न भी बता दूं अभी मैंने इससे लास्ट वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर आप लोगों का पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो कुछ फिक्स्ड नहीं है जब आप लोगों के पास ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी और वो जल्दी आ जाएगी ठीक है ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी अगर आपकी सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो मोस्ट प्रोबेबली आपका लास्ट ईयर की तरह ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ठीक है एमसीक्यू भी हो सकता है कुछ गारंटी नहीं है और आप लोगों का ऑफलाइन अगर सिचुएशन ठीक हो गई तो वो फिर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में कंडक्ट कराएंगे आप लोगों का जैसे कि सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम आप लोगों को आंसर्स लिख के भेजने थे कैमरा आप लोग का ऑन रहता है उस पर आंसर्स लिख के पीडीएफ बना के सेंड करनी होती है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का पैटर्न था ठीक है चलिए फिर जल्दी मिलेंगे अपनी शॉर्ट क्लासेस के साथ बी की और कुछ आपको यूपीडेड की भी करवाती रहूंगी एज पर कि मुझे टाइम मिलता रहे उसके अकॉर्डिंगली राइट थैंक यू सो मच एंड जिसको भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर भी गिवन है कोर्स लिंक भी गिवन है एप्लीकेशन लिंक भी गिवन है तो वहां से जाके आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं थैंक यू uh, निशा जो आपका 17 का एग्जाम हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली 21 जनवरी से ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी से पहले हो जाएगा ये 21 को हो जाएगा ठीक है ओके अरमान बेस्ट ऑफ लक ठीक है ओके okay. चलिए बिल्कुल जो क्लासेस की पीडीएफ्स होंगे वो भी वहां पर मिल जाएंगी ठीक है थैंक यू थैंक यू